हिंदौर नगर पालिका निगम ने बारिश पूर्व की जाने वाली तैयारियों में तेजी ला दी है। बारिश से पहले किए जाने वाले परंपरागत कार्यों को समय पर पूरा किया जाए, इसको लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा बाल ने आवश्यक बैठक आयोजित की। बारिश का मौसम जल्द ही अपनी दस्तक देने वाला है, ऐसे में नगर निगम ने बारिश से पूर्व किए जाने वाले परंपरागत कार्यों को लेकर अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधीनस्थों के साथ बैठक आयोजित की है। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को बारिश से पहले छोटे और बड़े नालों की सफाई, गड्ढों के भराव और जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था के साथ ही स्टाम्प वाटर लाइन का अधूरा काम जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त निगम आयुक्त ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए प्रत्येक वार्ड एक प्रभारी की नियुक्ति की है। यह प्रभारी वार्ड के रहवासियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें इसकी स्थापना के तौर तरीके समझाने में भी मदद करेंगे। वही बैठक में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने उन अधीनस्थों पर जमकर फटकार लगाई जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के काम में लापरवाही दिखाई। बैठक में निगम आयुक्त के तीखे तेवर देखकर सभी ने चुप्पी साध ली, जबकि आयुक्त ने सभी को साफ कर दिया था कि जल संरक्षण अभियान में उदासीनता दिखाई तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की मीटिंग जो अपना बारिश की पूर्व की तैयारियां हैं उनको लेकर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स की जो काम लगातार पूरे शहर में चल रहा है उनको लेकर के हैं। इस पूरी व्यवस्था में चूंकि हर वार्ड का एक इंजीनियर प्रभारी बनाए गए हैं जिनको ये दायित्व दिया गया है कि वो लोगों से बात करके उनको समझा के उनको टेक्नोलॉजी बता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाने का काम करेंगे और यूनिट लगने के बाद उसकी जियो टैगिंग भी कराएंगे, तो उसी की मीटिंग आज हुई है। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर चूँकि बारिश से पहले के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी बढ़ता है वहाँ की क्या व्यवस्था बनाई है, जो स्टॉर्म वाटर की लाइन्स डलने का काम है वो जहाँ जहाँ होना है वो प्राथमिकता से बारिश से पहले निपट जाए, तो इसलिए ये मीटिंग ली गई है। बारिश के पूर्व की तैयारियों की सभी पॉइंट्स की समीक्षा इसमें की जा रही है।